खंडवा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने भगवान ओंकारेश्वर मां नर्मदा के दर्शन कर मांधाता विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर जनता से संवाद के लिए रवाना हुए। कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा में कहा, मध्य प्रदेश की जनता सुखमय रहे, अच्छी सरकार बने, वर्तमान की सरकारों को सद्बुद्धि दे, कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करें, अवैध रेत का काम ना हो, महंगाई कम हो, आने वाले समय में उपचुनाव निष्पक्ष हो, जो धर्म के साथ चलेगा विजय होगी, अधर्म के साथ चलेगा परेशान रहेगा मां नर्मदा, जनता संतों को जो परेशान करेंगे उसका विनाश होगा। एक प्रश्न पर आपने बिच्छू का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा काम है बचाना, बिच्छू का काम है डंक मारना, ऐसा ही कार्य शिवराज सरकार ने किया। वर्तमान में जनता जनार्दन मठ मंदिर साधु संत धर्म महंगाई अराजकता फैला रही है, वर्तमान सरकार से सभी परेशान हैं। शिवराज सरकार केंद्र सरकार वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे, साधु को हजारों साल भी जेल में रखेंगे तो सत्य ही बोलेगा, शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। तहलका इंडिया न्यूज के लिए सुरेश यादव की रिपोर्ट। हम लोग ये मांगा कि मध्य प्रदेश की जनता सुखमयी रहे और अच्छी सरकार बने, यह सरकार को जो सरकार है इन्हें बुद्धि दे कि कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करें, अवैध रेत खनन ना हो और जनता परेशान ना हो, महंगाई कम हो, ऐसा हम लोगों ने भगवान ओंकारेश्वर से कहा है। और दूसरा, आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसमें भी कहा है कि धर्म के साथ जो भी चलेगा उसकी विजय होगी, और जो अधर्म के साथ साधु संतों को परेशान करेंगे, नर्मदा को परेशान करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इस टाइप के लोग जो रहेंगे, ऐसी सरकार रहेगी तो इनका विनाश होगा। गुरुदेव, पूर्व में आपने बहुत सारे मुद्दे जनहित के शिवराज सरकार में उठाए थे, उसके बाद की स्थिति आपके साथ भी सर्वविदित है जी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, एक बार क्या होता है कि बिच्छू का काम होता है, नदी में बह रही थी बिच्छू और साधु आया, बिच्छू को हाथ में पकड़ के बाहर किया तो फिर वो उसने डंक मारा बिच्छू ने साधु को, फिर उसने छोड़ा, फिर उसने फिर पकड़ा, फिर छूट गई वो बिच्छू डंक मार, बार बार दूसरा आदमी देख रहा था कि बाबा जी वो डंक मार रहे हो और आप बार बार उसको बचा रहे हो। तो साधु का कहना था कि हमारा काम है बचाना और बिच्छू का काम है डंक मारना, तो हमारा काम है जनता जनार्दन साधु संत मठ मंदिर नर्मदा नदियाँ सब ठीक से धर्म से चले सत्य से चले, वो हमारा काम है, और अधर्मियों का काम है साधु संतों को परेशान करना, नर्मदा को परेशान करना, जनता को परेशान करना, महंगाई करना, ये सब उनका काम है, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। साधु को हजारों साल भी यदि आप जेल में रखेंगे पर सत्य बोलेगा, सत्य की विजय ही होगी। आपको आला कमान ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए भेजा है, तो साधु संतों को आप क्या संदेश देंगे? देखिएगा, हम लोग प्रचार में नहीं भेजा है, साधु संत खुद ही निकले हैं। जब साधु संत परेशान हो जाते हैं, आपको मालूम है कि जब विनाश होता है तो ऊपर वाले से सभी लोग निवेदन करते हैं कि हमें बचाएं, हमारी सहायता करें, इसीलिए साधु संत निकले हुए हैं। उपचुनाव है, उपचुनाव में ना किसी सरकार बिगड़ना है, न सरकार कोई नहीं बनना है, पर इसके बाद भी एक संदेश जाना चाहिए, जनता के पास मालूम होना चाहिए कि धर्म के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो बचे और ऐसे लोगों को वोट ना दें, बीजेपी वाले लोगों को, जो महंगाई के साथ साथ और संतों के साथ नर्मदा के साथ नदियों के साथ अधर्म काम करें।